हेलो दोस्तों, मैं हूँ कॉमिक सैंडी और हम आ गए हैं डीसी यूनिवर्स वर्सेस मास्टर ऑफ द यूनिवर्स के एपिसोड 3 के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 और इसमें हम लोग देखेंगे एक धुआंधार धमाका जस्टिस लीग और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के कुछ ही सदस्यों के बीच में। और एक्चुअली इसमें स्टोरी क्या होने वाला है वो लोग भी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने सोचा था संडे को ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं बना पाया क्योंकि एक दूसरा वीडियो का शूटिंग चल रहा था और उस वीडियो एक नया धमाकेदार लाइव एक्शन वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे बंगाली दोस्त हैं और मैं भी एक बंगाली हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है इसलिए चलिए एक बंगाली वीडियो भी बना लेते हैं। तो इसलिए उसी बंगाली वीडियो का शूटिंग चल रहा था और इसलिए ये कॉमिक बुक का वीदियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देर है पर दुरुस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। वेन मैनर में गौथम सिटी में हम लोगों का ये एपिसोड चालू होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सुपरमैन नीचे गिरा पड़ा हुआ है और उसे मार दिया है ही मैन ने अपने तलवार से। लेकिन ये होने के बाद ही मैन के होश आ गए, एक्चुअली वो भी गुस्से में था सुपरमैन को मारने के लिए, एक्चुअली वो मारना नहीं चाहता था लेकिन सुपरमैन के साथ मुठभेड़ में उसने तलवार चला दिया था। और उसके बाद अभी वो रियलाइज़ कर रहा है कि जो भी हुआ ये बहुत गलत हो गया। लेकिन ये सब होने के बाद जस्टिस लीग जिन्होंने अपना होश खो लिया था पहले ही स्केलेटर के सम्मोहन की वजह से, अभी वो लोग फिर से अपने होश में आ गए और देखते हैं कि सुपरमैन को ही मैन ने मार गिराया है। तो इसीलिए वंडर वुमन और जस्टिस लीग के बाकी लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और ही मैन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बैटमैन तभी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और बैटमैन बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें पता भी है एक्चुअली अभी तक, मतलब वो स्कल फेस्ट इंट्रूडर मतलब स्केलेटर के बारे में बता रहा था और बोल रहा था कि स्कल फेस्ट इंट्रूडर ने तुम लोगों को सम्मोहित कर लिया था, इसी वजह से तुम लोगों ने हमारे ऊपर पहले आक्रमण किया था। पर ही मैन ये सब समझता है और बोलता है कि बैटमैन का ही दोस्त है ये सारे जस्टिस लीग के लोग। ये समझने के बाद ही मैन को समझ में आ जाता है जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि सुपरमैन इस दुनिया के चैम्पियंस में से एक है और उसको ही उसने मार गिराया है। तो इसीलिए वो और भी थोड़ा दुखी होके सरेंडर कर देता है और अपने तलवार से बोलता है कि वो अपना सारा शक्ति सबके सामने सरेंडर करने वाला है। और ये सुनने के बाद तब ग्रीन लैंटर्न बोलता है हम तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करें, लेकिन इस भरोसा पाने के लिए तभी ही मैन अपना मैजिक अपने शरीर के ऊपर से वो मैजिक हटा देता है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली प्रिंस ऑफ इटर्निया में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। और वो एक्चुअली प्रिंस ऑफ इटर्निया है और ये मैजिक की वजह से ही, ये तलवार के यूज से ही वो ही मैन बन जाता है। और तभी प्रिंस ऑफ इटर्निया उसके सभी दोस्तों का आदेश देता है कि वो सरेंडर कर रहा है जस्टिस लीग के सामने और उसका कोई भी दोस्त उसके लिए अभी मारपीट नहीं करेगा, कोई भी रेबेलियन खड़ा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही जो हुआ है ख़राब हुआ है। पर ये सब देखने के बाद टीला गुस्से से चीख उठती है और एवलिन भी देखती है और बोलती है कि आइडियलिस्टिक फूल, ये कैसा बेवकूफ़ है। लेकिन एवरी ये सब देखने के बाद चुप नहीं रहती और वो अर्थ एंड वाटर नीड माय कॉल ऐसा बोलते हुए अपना मैजिक चालू कर देती है और सारे जो कि अर्थ के पानी हवा अग्नि सब कुछ को इस्तेमाल करके उधर से एक पोर्टल बना लेता है और सब लोगों के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के सभी लोगों को सामने ही उसने उसी फायर और सब का इस्तेमाल करते हुए अपना स्टाफ बना लेता है, जिस स्टाफ की यूज़ करने पर वो इधर से सभी को लेके पोर्टल के ज़रिए दूसरे जगह पे चला जाता है। और तब उसे रोकने की कोशिश करता है टीला और वो बताती है कि प्रिंस एडम ने तुम्हें अपना आदेश दिया है, यह सब मत करो। लेकिन एवलिन बताती है कि वो उसका प्रिंस नहीं है। तो ये सब होने के बाद ही वो जॉन कॉन्स्टेंटिन और दूसरे विच को भी लेके मेट्रोपोलिस आ जाता है। और मेट्रोपोलिस में आने के बाद उन लोगों को रियलाइज़ होता है और वो एवलिन को बताते हैं कि एक्चुअली उसने क्या गलती कर दिया है, उसने गलती किया है बहुत बड़ी जो कि है कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सुपरमैन की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से सुपरमैन के सारे दोस्त सारे सुपर हीरोज इन्हीं लोगों को मारने के लिए इधर आ जाएंगे। पर एवलिन बताती है कि उसके पास अभी कोई चारा नहीं है, सरेंडर करना उसके पास एक मतलब रास्ता नहीं था क्योंकि उसे अभी स्केलेटर से मिलना है। लेकिन स्केलेटर उसके ऊपर थोड़ा खुश नहीं है, अगर उसे मारने जाए तो ही मैन और सभी उनके दोस्त और जॉन कॉन्स्टेंटिन भी काम आएंगे, तो इसीलिए वो सब लोगों को लेके इधर आ गए हैं। और इधर हम लोग देखते हैं जस्टिस लीग
वेन मैनर में अभी भी झगड़ा कर रहे हैं और बैटमैन सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, ही मैन ने इंटेंशनली सुपरमैन को मारने की कोशिश नहीं किया। और उधर तभी देखते देखते धीरे धीरे सुपरमैन गायब होने लगता है, उसका शरीर डस्ट में बह जाता है। और जैसे कि एक्चुअली अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सारे लोग मारे गए थे लास्ट में, वैसे ही सुपरमैन भी उधर से गायब हो जाता है। लेकिन तभी बैटमैन चीख के बोलता है कि तुम लोग सीधा सीधा सोच नहीं रहे हो, पहले सोचो कि तुम लोगों ने ऐसा केव बैट केव में आक्रमण क्यों किया, क्योंकि तुम लोग हिप्नोटिज्म में थे, स्केलेटर की हिप्नोटिज्म की वजह से। लेकिन कोई भी उसको मारने के लिए राजी नहीं रहता है। और तभी बैटमैन बहुत ही गुस्सा होकर बोलता है, गेट ऑफ माय लॉन, इधर से निकल जाओ तुम। उधर हम लोग देखते हैं हाउस ऑफ सीक्रेट्स में, ये सभी न्यूज़ देख रही है वो बंदी जो कि है ब्लैक एलिस, जो स्केलेटर के साथ है। और स्केलेटर को वो ये बताती है कि स्केलेटर जो चाहता था वही हुआ है, ही मैन ने सुपरमैन को मार दिया है। और अभी जस्टिस लीग के बाकी लोग सुपरमैन के मरने के बाद ही मैन और उसके दोस्तों के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर बहुत सारे सुपर हीरोज भी। तो इसीलिए स्केलेटर को बहुत ही खुश होना चाहिए। लेकिन वो बताती है कि स्केलेटर जिस मास्टर के लिए काम करता है उसे भी बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन स्केलेटर इस बात से गुस्सा हो जाता है और ब्लैक एलिस को हवा में उछाल फेंकता है और बोलता है वो किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन ब्लैक एलिस तभी बताती है कि वो तो नहीं है पता है, लेकिन तुम अभी जो कर रहे हो तुम्हें नेक्स्ट वाला काम ज़रूर करना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं इटर्निया में, ही मैन के सारे दोस्त रेडी हो चुके हैं उधर से इटर्निया से दुनिया इस अर्थ में आने के लिए, और ही मैन और सब लोगों को बचाने के लिए। लेकिन उन लोगों का मकसद है ही मैन और उसके साथ एवलिन को भी पकड़ना ताकि वो लोग फिर से वापस आ सके। तो इसीलिए वो उसके सारे दोस्त इसमें राजी थे, अगर वो लोग एवलिन को ढूंढ ना पाए तो शायद ये वन वे जर्नी रहेगा, मतलब वो लोग फिर से इटर्निया में वापस नहीं आ सकते। लेकिन इससे कोई भी संकोच नहीं किया और सारे के सारे दोस्त, यहाँ तक कि ही मैन का जो शेर है, जो टाइगर है, सुपर टाइगर, वो भी राजी था और वो सब लोग उधर से ट्रेवल करना चालू कर दिए। और इधर हम लोग देखते हैं ग्रीनविच विलेज न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे जॉन कॉन्स्टेंटिन का घर था पहले, वो मैजिकल घर। एक्चुअली वो जॉन कॉन्स्टेंटिन का घर नहीं है, उन लोगों का काइंड ऑफ केबिन है। तो एनीवे उधर सब लोग आके देख रहे थे, उधर सील मार दिया गया है और उस घर को बंद कर दिया गया है। और वो लोग सोच रहे थे कि इधर से बहुत ही मतलब अति आश्चर्य लोग इधर से निकलते हैं। और तभी ही मैन के दोस्त भी उधर आ गए और सब लोग डर के भाग जाते हैं उधर से। और ही मैन के शेर को देखते हुए वो लोग और भी डर जाते हैं और सोचते हैं वो शेर उन्हें खा जाएंगे। लेकिन ही मैन का दोस्त आके एक बच्चे को पकड़ता है और बोलता है अर्थ के चैंपियंस कौन है, उन लोगों के साथ उन्हें बात करना है। तो वो बच्चा बोलता है इसका मतलब जस्टिस लीग, और उन लोगों को पता चल जाता है कि जस्टिस लीग अभी कहाँ पे है। इधर हम लोग देखते हैं जस्टिस लीग डार्क, मतलब द हाउस ऑफ मिस्ट्री में, जो कि हेडक्वार्टर्स है जस्टिस लीग डार्क का। उधर आके जॉन कॉन्स्टेंटिन डेड मैन और उसके सारे दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें हेल्प करना चाहिए ही मैन और उनके दोस्तों को। लेकिन वो कोई भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनमें से एक तो बता रही थी कि जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका जो है, जो कर्नल ट्रेवर उन लोगों को लीड करते हैं, वो लोग ऑलरेडी ही मैन की तलाश में निकल चुके हैं। और बाकी कोई भी नहीं मान रहे थे कि इसमें कोई भी आशा है या ही मैन के दोस्तों को बचाना चाहिए। उधर हम देखते हैं मेट्रोपोलिस में, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के लोग अभी सुपरमैन के कातिल को ढूंढने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी ही मैन के दोस्त आ गए थे उधर और वो लोग आके ही मैन के बारे में पूछ ही रहे थे। और तभी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका को पता चल जाता है, मतलब कर्नल ट्रेवर को पता चल जाता है कि ये लोग जो सुपरमैन के कत्ल किया है, जो कि सुपरमैन का मर्डरर है, उनके दोस्त है। तो इसीलिए वो दो पार्टी एक साथ मारपीट में लगे पड़ते हैं, मुठभेड़ चालू हो जाता है। उधर द हाउस ऑफ सीक्रेट्स में ब्लैक एलिस बताती है स्केलेटर को कि उसे अभी क्या करना चाहिए और वो एक्चुअली किसके लिए काम करता है। स्केलेटर बताता है ये एक ऐसा एंटिटी है जिसे मुझे लगा था कि ये उतना कुछ मतलब खास कुछ नहीं है। लेकिन स्केलेटर को बाद में पता चला है कि जो भी एंटिटी के लिए वो काम करता है या फिर जो एंटिटी के साथ वो काम करता है
ये एक ऐसी शक्ति है जिसके पास पूरी दुनिया बदल सकती है, ऐसी शक्तियाँ है, पर वो इसका गुलाम नहीं है। लेकिन अगले ही सीन में हम लोगों को पता चल जाता है स्केलेटर के सामने, जब ये शक्तिशाली एंटिटी सामने आ जाता है और स्केलेटर से पूछता है कि अभी क्या होने वाला है और कितना दिन लगेगा दुनिया के सारे मैजिक को अब्सॉर्व करने में। तब स्केलेटर बताता है कि उसे थोड़ा सा और 2 दिन टाइम लग जाएगा और हम लोगों को पता चल जाता है कि स्केलेटर काफ़ी डरा हुआ है उससे। स्केलेटर जितना भी बड़ा बड़ा फेंकता हो लेकिन वो बिल्कुल डरा हुआ था इस एंटिटी से। और हमें दिखते हैं कि इस एंटिटी जिस दुनिया में रहते हैं उधर बहुत सारे बाकी सारे राक्षस रहते हैं और वो अभी एंटिटी बताता है कि इटर्निया में सभी लोग इसके ऊपर हंसते थे क्योंकि उसे पहले सभी कमज़ोर सोचते थे, लेकिन अभी वही सब लोगों को नचा रहा है और बोलता है स्केलेटर से, अभी बताओ तुम कौन हंस रहा है। और ये है डार्क ओको। तो दोस्तों एपिसोड 3 इधर ही ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जो वीडियो के बारे में मैंने बताया उस वीडियो का काम चालू है और वो वीडियो ऑब्वियसली बंगाली में आ रहा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, उसके लिए वेट रहेगा। और सभी बंगाली दोस्तों के लिए भी क्या बोल सकते हैं, हैप्पी दुर्गा पूजा इन एडवांस। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।